हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेगा रिव्यू। आज हम लोग बात करने वाले हैं स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 3 के बारे में। दोस्तों, सीजन 1 सीजन 2 के बारे में मैं आपको बोलने के लिए भूल गया कि वो दोनों सीजन भी हिंदी पे भी अवेलेबल है और ये सीजन 3 भी हिंदी पे भी अवेलेबल है, जो कि हम लोग नेटफ्लिक्स पे देख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और ये सीजन 3 के बारे में डिस्कस करते हैं। तो सीजन 3 भी बहुत इंटरेस्टिंग है और ये एक परफेक्ट सीरीज है जो आपको बिल्कुल भी बोर नहीं करेगा। और यहाँ पे जो डायरेक्टर्स लोग को क्रेडिट दिया जाता है, क्योंकि वो लोग का एक डायरेक्शन इतना अच्छा था कि वो लोग हर एक सीजन को परफेक्ट बनाने का कोशिश किए। तो ये सीजन भी बहुत अच्छा है। तो उसके बाद हम लोग थोड़ा स्टोरी के बारे में बात कर लेते हैं कि ये जो सीजन है, ये स्टोरी हम लोग को स्टार कोर्ट मॉल के सामने ही देखने मिलेगा। जितने भी एरिया है स्टार कोर्ट मॉल के एरिया में, वहाँ पे ये पूरा देखने के लिए मिलेगा। और यहाँ पे जितने भी कैरेक्टर्स हैं, सब कैरेक्टर्स ने अपना बेस्ट दिया है ये सीजन के लिए। और आप मुझे पूछोगे मुझे कौन सा कैरेक्टर अच्छा लगा, मैं तो बोलूँगा बिल्ली का, उसने अपना बेस्ट दिया है, बेस्ट। और नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि ये जो स्टोरी है और ये कैरेक्टर्स है जो कि सेपरेट वेज पे है अभी, तो सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं। और डस्टिन और वो अपना दोस्त लोग को बोलता है कि उसको एक सीक्रेट गर्लफ्रेंड है और उसके बाद उसको ट्रस्ट करने के लिए बोलता है, लेकिन उसको कोई भी ट्रस्ट नहीं कर पाते। और दूसरी तरफ नैन्सी और जोनाथन, वो लोग कुछ दूसरे जर्नी में है, वो लोग खुद का काम कर रहे हैं। और हम लोग देख सकते हैं कि स्टीव और रॉबिन भी स्टारकोर्ट मॉल पे काम कर रहा है। और उसके बाद जो शैडो मॉन्स्टर है वो अभी भी बाहर घूम रहा है, लेकिन वो कैसे आएगा सीजन 3 में, वो आपको सीजन 2 देखने के बाद ही मालूम होगा। और उसके बाद से ये सीजन 3 में रशियंस का इन्वॉल्वमेंट भी हुआ है, जो कि 1986 पे अमेरिका के साथ एक्चुअल में हुआ था, जो कि रशियन जो मेन विलेन थे अमेरिका के लिए। सीजन 3 का प्रेजेंटेशन और डायरेक्शन तो मैं आपको बोल ही चुका हूँ, एकदम लाजवाब था। और मैं तो इस सीजन 3 को एकदम बोर नहीं हुआ, मुझे और भी इंटरेस्ट आ रहा है। और मैं सीजन 4 के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ और मैं वेट नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि सीजन 4 का ऑलरेडी शूटिंग चालू हो चुका है। और आप लोग भी मुझे कमेंट पे बोलिए कि आप लोग कितना इंटरेस्टेड हो सीजन 4 के लिए। और ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और जो बाजू में बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लीजिएगा। टिल देन, बाय, थैंक यू।